और सबसे दुखद है कि लालू यादव इस तरह की ओछी हरकतों से बाज नहीं आते। जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो विपक्ष के नेता थे, या पिछले 15-20 वर्षों के अंदर इसी प्रकार के ओछे हथकंडे वो अपनाते रहे हैं। और अगर वो बीमार हैं तो उनको मेडिकल बोर्ड के लिए रिप्रेजेंट करना चाहिए, मेडिकल बोर्ड बैठे, जांच पड़ताल करेगा और मेडिकल बोर्ड ये रिकमेंड कर सकता है कि उनको एम्स भेजा जाए, उनको IGMS भेजा जाए या और किसी अस्पताल में भेजा जाए जहाँ उनका इलाज हो सके, उनके बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था हो सके। लेकिन देखिए, लालू जी कहते तो गरीब के रहते हैं लेकिन वास्तव में सामंती मानसिकता के व्यक्ति हैं। तेल मालिश करवाना, बदन यानी यह जो उनका जो तरीका है वो सामंती मानसिकता का और परिचायक है कि बिना वो नौकरों की सेवा की वो बिना उनके नहीं रह सकते। इसलिए बहुत दुखद है। इसलिए दो जो कर्मी जो उनके अपने लोग थे जिनको उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से और अपने ही लोगों के द्वारा FIR दर्ज कराकर फिर सरेंडर कराकर और पली जेल भेज दिया। एक और तो कहते हैं कि फलाने को जेल, फलाने को बेल, इतने साल की सजा होगी। यानी लालू जी को पूरा मालूम था कि उनका जेल जाना तय है, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से अपने दो नुमाइंदों को पली जेल के अंदर उन्होंने दाखिल करवा दिया ताकि वो उनकी सेवा शुश्रूषा कर सके। और यही तो लालू जी करते रहे रेल मंत्री के नाते, और बाद में भी उन्होंने अपने हृदयानंद चौधरी, ललन चौधरी, कांति सिंह, रघुनाथ झा, इन तमाम, राजीव रंजन, मोहम्मद शमीम, किसी से गिफ्ट करवा लिया, किसी से वसीयत करवा लिया, किसी से ज़मीन लिखवा लिया, तो ज़िंदगी भर तो यही काम करते रहे। और अब जब जेल गए तो उससे भी वो बाज नहीं आए हैं। तो इस तरह की घटना बहुत शर्मनाक घटना है। उसे झारखंड की सरकार को अविलंब ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये तो जांच का मुद्दा है। जेल में कोई जाएगा तो जेल प्रशासन क्या करेगा? इसलिए ये तो पूरे जांच का विषय है। लेकिन वो जब झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी तो उस समय भी उन्होंने इसी तरह के हथकंडे अपनाए और गेस्ट हाउस में उनको रख दिया गया और घर से भी बेहतर सुविधा वो वहाँ पर उनको मिल रही थी। तो जेल जेल है, जेल कोई आराम करने की जगह नहीं है, जेल कोई और लग्जरी होटल नहीं है जहाँ पर आपको सब तरह की सुविधा मिलेगी। अगर आपको इसी का डर था तो आपने अपने बिहार के खजाने को लूटने का काम क्यों किया? इसलिए इस पूरे मामले की जांच झारखंड की सरकार को करना चाहिए और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके पहले अनवर अहमद को, जो उनके लिए कबाब बनाने का काम करता था, जो कबाब मंत्री के नाम से जाना जाता था, उनको उन्होंने MLC बनवा दिया। तो लालू जी तो पूरी ज़िंदगी भर यही करते रहे, इधर का उधर, उधर का इधर, हंसी मजाक। और इसीलिए, और जो मौका मिला तो उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। तो इसलिए लालू जी को इस उम्र में कम से कम ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए।